बल्लेबाज ने, संतोष कुंवर ने खाता ओपन कर दिया। और इस बार देखा जाएगा गणेश कुंवर स्ट्राइक के ऊपर, अक्षय गेंदबाजी की बाउंड्री संभाल रहे हैं। मंगेश स्मृति कोमर भुज टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। ओ अच्छी बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल, गति का मिश्रण बहुत ही बढ़िया देखने को मिल चुका है। और रफ्तार से गेंद को फेंका था, मैंने शुरू में कह दिया, अभी ये रबर बॉल जो है वो तेज़ी से फेंकने के बाद एक बार फिर से अच्छा हो जाता है, उसमें गति आ जाती है और इस बीच ये गेंद डॉट चली गई है। और पुल कर दिया हवा में चरण, वड़ शॉट आग बनकर मार दिया, लेकिन आग बनकर मार दिया, लेकिन आग खोलकर देखा तो गेंदबाज लस्त बस्त हुआ। छक्का आया, देखिए चांबो ने क्या जबरदस्त इस बार। और वो चांबो का मित्र प्रणय कहा गया है। शॉट डिलीवरी, इस बार फिर से कैच लपक लिया, टप्पा पीछे, शानदार पुल किया था लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर क्षेत्र में बाउंड लाइन पे खिलाड़ी तैनात थे, कैच को लपक लिया। टीम का स्कोर देखा जाए तो यहाँ 6 रन लॉस ऑफ 1 7 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। रोहित ने कैच को लपक लिया, छोटे छोटे बच्चे भी इस मैच को देख रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत। चलिए बॉल जल्दी दीजिए, नहीं तो नई गेंद लीजिए, टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है यहाँ बराबर 6:29 हो चुके हैं। बल्लेबाज आउट हुए तो जल्दी आइए ना रवि, टाइम पास मत कीजिए भाई साहब। दगड़ोर पाजू का फेमस जगह है, दरकान तोड़ के सबको घर जाना है। भाभी हमारे इंतजार कर रहे हैं कि सुबह गए अभी तक आए क्यों नहीं। अरे जान दो अभी, छोड़ो चलो, फाइनल में देखा जाएगा अभी कौन हमारा सुनेगा। फटाफट शानदार स्ट्रोक, इस बार देखा जाए पॉइंट के क्षेत्र में 4 छक्का दिया, बाउंड्री, यस गार्ड लेके जाओ, गार्ड लेके जाओ जल्दी, ग्लोव चाहिए क्या, तो जल्दी आओ। अब तो इस बाउंड्री के बदौलत स्कोर पहुंचा है 11-11। बॉल दीजिए मैदान के अंदर, जाम्बो फेक बॉल, आखिरी बॉल है, इस बॉल को पकड़ लो। इलेवन लॉस ऑफ 1 विकेट, अंतिम बॉल उड़ाया और वाला शॉट, ओवर पिच डिलीवरी थी, रडार में गेंद थी, जेसीबी को कहने के लिए टन कम मारना, बॉल आई तेरे पास, छक्का। और 6-7 स्कोर आगे बढ़ चुका है, 17 ओवर महंगा साबित हो चुका है। चलिए आखिरी 6 गेंदे शेष है, फटाफट ओवर डालिए और इस बार इनिंग खत्म कीजिए, दूसरी इस बार इनिंग चालू होगा और फाइनल का मुकाबला जल्दी शुरू हो जाएगा। तो और इस बार देखा बक्सी वितरण का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। सेकंड बॉलर कोमर भुज टीम के अक्षय महंगा साबित हो चुका है, जिन्होंने एक सफलता हासिल जरूर किया है इस बार देखा जाए, लेकिन उनके ओवर में 17 रन आए। इस बार रवि सोलंकी के 10 पे पहुंचे हैं, संतोष कुंवर 1 पे खेल रहे हैं। आदित्य, तुम लोगों को वैसा सभी का नाम मालूम चाहिए। और जोरदार हिट सामने, स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद है, एक सिंगल दूसरे के लिए पलटने जा रहे हैं और 2 रन, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। और 2-7 स्कोर 19 के घर में। जो प्राइस का हकदार है उसे ही सब कुछ मिलने वाला है, उसमें कोई यहाँ 1 विकेट के लिए 5 रन दिए गए हैं। ओ क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया था, यहाँ कोई नाप माप नहीं किया जाएगा, ऐसे कोई किसी के ऊपर हम जाने वाले नहीं है, क्योंकि ये किंजल ट्रॉफी का आयोजन है।
हाँ, एक ही आदमी को सब ट्रॉफी जाएगा तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, जाएगा बस इज मतलब साहब जी का, और वो भी ईमानदारी से। आज 7 टीमें फंस गए थे, मालिक हमारा टेंशन में था, लेकिन भगवान ने सुन लिया, नहीं नहीं शादी हुई, भरपाई देना चाहिए। राम मात्र क्या मैच को देख रहे, राम मात्र साहब इनका हम हार्दिक स्वागत करें, उन्हें हम विनती करते आइए हमारे कमेंट बॉक्स में। फुल टॉस गेंद पकड़ लो, छोड़ो मत, और इसी के साथ बल्लेबाज आउट, विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में। आदित्य ने सफलता हासिल किया, थोड़ा स्पीड अप कीजिए ओम साई पनवेल कप्तान, चलिए थोड़ा स्पीड अप कीजिए, बल्लेबाज जल्दी तैयारी के साथ रहिए, कभी कुछ भी हो सकता है। और बल्लेबाज इस बार देखा सुंदर कैच को लपक लिया है, टीम का स्कोर यहाँ देखा जाए 19 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे ओम साई पनवेल टीम का स्कोर। और नए बल्लेबाज अजय मकाश, और एक बार फिर से यह सिंगल जरूर मिलेगा, निकला स्पॉट में 1 रन और स्कोर आगे बढ़ चुका है 20। और इस किंजल ट्रॉफी को हमारे पेन तालुका के एक बेहतरीन दिवस सिप के मास्टर वैभव टावरी इस मैच को देख रहे हैं, उन्होंने ढेर सारी शुभकामना दी है, तो वैभव टावरी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। देखते रहिए किंजल ट्रॉफी का रबलवार प्रतियोगिता का सुंदर आयोजन। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए यहाँ जरूर एक मिलेगा दूसरे के लिए, जाओ भागो, खराब से त्रक्षण तोरण, रवि देखिए कैसा दौड़ रहा है, तो इस बार देखा जाए 2 के साथ रवि सोलंकी पहुंचे 12 पे, टीम को स्कोर पहुंचे 22, 22 आखिरी लास्ट बॉल शेष अंतिम बॉल। और कोमर भुजे की जो टीम है उस बैठने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स से नजदीक आइए, दूर मत बैठो। वेल बॉल, घुटना टेक कर शॉट को खेलने का प्रयास किया था, ओवर की समाप्ति 22, कोमर भुजे टीम को जीतने के लिए 23 रन चाहिए 12 बॉल में। ज्यादा टाइम पास मत करो कृपा करके, आप विनती करते यहां आइए बल्ला लेके जल्दी, क्योंकि दूर वाली छोर से देखना बहुत कठिन लगता है, नज़दीक से आने के बाद बहुत मज़ा होता है। और देखिए इस बार देखा जाए विमान जा रहा है, और विमान में जो एयर होस्टेस बैठे हुए हैं वो चांबो के सभी फ्रेंड हैं। और 23 रन चाहिए प्रत्येक ओवर में, इस बार देखा जाए यहाँ देखा जाए तो 11.50 का रिक्वायर्ड रन रेट।
शॉट अच्छा है, मधुर आवाज, गैप में गेंद, चौवा की संभावना, आ गया चौवा, ठोक चंबो, बाउंड्री आ गई है, चार के साथ खाता ओपन खुद का टीम का। और ये देखिए एक बार फिर से यहाँ टैंकर आया है, टैंकर की पहली मजा बहुत थी, जब पानी कम होता था तब मजा आती थी। हाँ, उसके ऊपर हंडा लेके कलसी लेके चोर के साहब को मालूम है, उसमें बहुत मजा आता था धक्का लगने के बाद। ये जाम्बो को कुछ पता नहीं है, उसी ने बहुत छोटा था। और शॉट अच्छा, पकड़ ले भाई साहब, छोड़ मत, पकड़ लिया कैच, विकेट नंबर पहला ड्रेसिंग रूम में, चल पड़े इस बार देखा जाए ड्रेसिंग रूम में। जो बल्लेबाज शुभम चार रन बना के वापस चलता कर दिया गेंदबाज ने, टीम मीटिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से एक टीम जीतेगी वो खेलेगी फनस डोंगरी के खिलाफ फाइनल का मुकाबला, और जो हारेगी उस टीम को मिलेगा थर्ड प्राइज। इस बार यहाँ गेंदबाज को सफलता, अजय को सफलता मिली, अजय ने तुरंत चलता कर दिया इस बार देखा जाए तो यहाँ बल्लेबाज शुभम को, और सुंदर कैच बैक इस बार देखा जाए डीप पॉइंट के क्षेत्र में लिया, गुड। युवराज कोहली मैदान के अंदर बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं, सामना करेंगे अजय के गेंदबाजी का। अजय मकास की गेंद नीचे रह गई है, इस बार देखिए गति का मिश्रण अच्छा था, गेंद बल्ले के बीच कनेक्शन होने नहीं दिया है, डॉट गेंद चली गई है। आखिरी तीन बॉल शेष, नो बॉल है, मिड विकेट के ऊपर पुल किया है, एक सिंगल जरूर मिलेगा, और इसी के साथ एक दो रन आ चुके इस गेंद के ऊपर, ओवर स्टेप हो चुके हैं, तो अगली गेंद फ्री हिट। देखिए काले सर कैसा उंगली घुमा के कह रहा है ये फ्री हिट है, ऐसा पंखा घुमाना पड़ता है एक बार, तेरे पेन से बस शाही नीचे गिर जाती है। स्कोर पहुंचा है सिक्स के घर में, लॉस ऑफ वन विकेट के नुकसान पे, फ्री हिट है, और इस बार ये गेंद खराब है, आउट के ज़्यादा ही बार गेंद चली गई, अगली गेंद पे को फ्री हिट है, स्कोर पहुंच चुका है सेवन के घर में, लॉस ऑफ वन विकेट, अभी भी फ्री हिट है, देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर 24 इवेंट की लाइव की क्लियरिटी, संदेश पाटिल साहब इनके नेतृत्व में। और एक बार फिर से हवा में खेल दिया है, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, दूसरे के लिए पलटने जा रहे, तुतुमई में चल रनर का मौका आउट, और इसी के साथ विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में, टीम का स्कोर मेरे से सोमनाथ आठ, दो विकेट के नुकसान पे कोम्बड़ भुजे टीम का स्कोर है, और जीतने के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि चोरगे साहब अगर ये टेनिस की मैच रखते तो अच्छा होता, बारिश नहीं है, तीन दिन में बारिश का कुछ सिग्नल नहीं मिला है, इसका मतलब चांबो ने कुछ ना कुछ करने की है। आठ रन दो विकेट के नुकसान पे, घुमाने गए थे ऑफ साइड के ऊपर, खेल देते तो रन मिलते, पॉइंट के ऑपर खेलना चाहिए, बॉल आउट साइड ऑफ स्टंप रखी हुई, गति का मिश्रण, अंतिम बॉल शेष इस ओवर की आखिरी गेंद, और ये गेंद खराब है, दिशाहीन भट्ट की गेंद ऑफ स्टंप के लेग स्टंप के बाहर, वाइट के बदला स्कोर पहुंच गया सोमनाथ नौ रन दो विकेट के नुकसान पे, जीतने के लिए 14 रन चाहिए, नो बॉल है इस बार देखा जाए, एक तो चुराए मिड विकेट खिलाड़ी आ रहा है गेंद को उठाने के लिए, दूसरे के लिए पलटने की कोशिश की थी, मगर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर दो रन, दो के साथ स्कोर पहुंच गया 11 के घर में, जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है आने वाले 7 बॉल में, और अगली गेंद फ्री हिट है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए इस बार निकेत, ओवर कप की हो जाती थी लेकिन क्या करेंगे, वो नो बॉल डाल रहे तो हमका क्या गुनाह है यार, हमें क्या जो चल रहा है उसका आंखों देखा हाल सुना हमारा देख कर तो भी बाकी तुम्हारे ऊपर। और लंबा डंपर का आईना फूटा नहीं बच गया चक्का, और छह के बदौलत आखिरी गेंद फ्री हिट थी और छक्का लगा दिया, और छक्के के साथ देखा जाए तो स्कोर
17 के घर में देखिए कितना लंबा छक्का मारा है। और जीतने के लिए 6 बॉल में 6 रन। ओम साई पनवेल के ये गेंदबाज ने मुझे लगता है वाइड भी डाले, नो बॉल भी डाले, वो 6 रन एक्स्ट्रा दिए। रवि सोलंकी गेंदबाजी करने के लिए आए, 6 बॉल और जीतने के लिए 6 रन। ये देखिए छोटे बच्चे पूरी तरह से इस मैच का आनंद ले रहे। यस सर, एक छोटे को दे। और उनको दीजिए संभाल के संभाल के। चलिए छोटे बच्चे आनंद हो गए, उन्हें खुशी आ गई है। और आखिरी 6 बॉल जीतने के लिए 6 रन। मारने तो करेगा क्या, ऐसा डालेगा तो चलो फिनिश हो गए। मैच को जीता कोमड़ भुजे टीम ने, परास्त होना पड़ा ओम साई पनवेल टीम को। छक्के के साथ इस बार देखा जाए विनिंग शॉट खेला बायत के बल्लेबाज कौन था, युवराज। और इसी के साथ अब फाइनल का मुकाबला फनस डोंगरी बनाम कोमड़ भुजे के बीच। फनस डोंगरी टीम आई है जल्दी, कैप्टन जल्दी आई। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच का हीरो आदित्य, आदित्य मैन ऑफ द मैच लेने के लिए जल्दी आइए। और टॉस जल्दी कीजिए। आइए सुनिए हमारे युवराज माली सर, इनकी जुबानी क्रिकेट की और फाइनल का अंतिम मुकाबला उनके जुबानी के ऊपर सुनिए, मजा आ जाएगा। उनकी भी बहुत ही सुमधुर मराठी कमेंटेटर है जी। और तेजस्वी मात्रे साहब इनके शुभ हाथों से ये मैन ऑफ मैच का अवार्ड। कोई टेंशन नहीं, जो गया वो गया। और जी इस बार ये फाइनल का मुकाबला 2 ओवर का है। और युवराज जी माली सर इस बार जो नेहरुल के है नई मुंबई का आवाज़ सुनिए। हम लेते रेस्ट लेकिन रुकते उनके साथ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अमित जी म्हात्रे सर, यांचा एक भारदस्त असा आवाज हिंदीचा आपण ऐकलात, व्हॉइस ऑफ पेन आपल्याला नक्कीच ऐकायला मिळाले। अनेक नामवंत स्पर्धांमध्ये आपण अमित म्हात्रे सरांचा आवाज सातत्याने ऐकत असतो, रायगड परिसर असेल, उरण असेल, अगदी मुंबई नवी मुंबई असेल, कल्याण परिसर, बऱ्याच ठिकाणी त्यांना आवर्जून बोलवलं जातं समालोचनासाठी, कारण त्यांची समालोचनाची शैली एक अनोखी आहे आणि जबरदस्त शब्दसाठा आहे मराठीचा। यांच्याकडे अमितजी म्हात्रे सर जो हे पेन याला तिकडे बिलॉंग करतात, आज त्यांची खूप चांगली साथ मायक्रोफोनवर आपल्याला मिळाली, किंबहुना आम्हाला मिळाली, भरपूर काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या अमित सर आपल्याकडनं। पहिलाच एक्सपिरियन्स आपल्यासोबत मायक्रोफोन शेअर करण्याचा आणि बरंच काही देऊन गेला आम्हाला देखील। तर जाऊया या फायनल मॅचकडे, मेगा फायनलचा 3 दिवसांचा आट्टा हाच तेजस दादा म्हात्रे यांचा आता मात्र